राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया के संबंध में बाजार खोलने को लेकर किस किस प्रकार की सावधानियां रखना है और कोरोना गाइडलाइन का पालन और दुकानदारों और कर्मचारियों को कोवैक्सीन लगवाने शपथ पत्र के संबंध में आज जनपद पंचायत सभागार में व्यापारियों की मीटिंग SDM अमन वैष्णव के द्वारा ली गई, जिसमें सभी व्यापारियों को बताया गया कि सुबह 10 से 4 बजे तक दुकान खोलने का समय रहेगा और दुकानदार और ग्राहक को मास्क अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा सैनिटाइजर करवाना होगा और 2 व्यक्ति से ज़्यादा की भीड़ दुकान पर नहीं लगाना है। सभी व्यापारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन अनिवार्य है। यदि नहीं लगाई गई तो 8 दिन के भीतर लगवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए एक शपथ पत्र द्वारा भराया जाएगा। आदि बातें SDM अमन वैष्णव के द्वारा बताई गई हैं। व्यापारियों की बैठक जो रखी गई है उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं? SDM साहब द्वारा जो क्या निर्देशन को पालन करना है साहब के द्वारा बताया गया है कि कलेक्टर के आदेश अनुसार किराना दुकान है आप सुबह 10 बजे से 4 बजे तक खोलेंगे। आपको एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें आपकी कोविड की रिपोर्ट और मास्क वगैरह सबको कर्मचारियों को और आप लगा कर बैठेंगे इसका शपथ पत्र आपको देना होगा। सैनिटाइजर का उपयोग करना है दुकान के ऊपर, बिना मास्क लगाए किसी भी ग्राहक को सामान नहीं देना है, अनुसार काम करना, वैक्सीन के लिए प्रेरित करना है। आप क्या मानते हैं इस पर, मतलब पालन हो पाएगा? इसमें पालन हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम पालन करवाएंगे ग्राहकों से भी। सिंपल है वो, तो कितने ग्राहकों की अनुमति दी? 2 ग्राहक दुकान दिन में लगाएंगे, 2 ग्राहक चले जाएं फिर दूसरे 2 बुलाएंगे। कितने बजे तक की डील दी गई? 10 बजे से 4 बजे तक। 10 से 4 बजे तक, 6 घंटा बता दो। 6 घंटे क्या बैठक में क्या निर्णय लिएगा किराना व्यापारी? आज किराना व्यापारी और दूध डेयरी समूह अनोखी बैठक ली गई हमारे द्वारा, और इसमें जो आज सुबह सुबह कलेक्टर महोदय का 144 का जो आदेश आया है अनलॉक के संबंध में, जो 1 जून से होना है उसके संबंध में हमारे द्वारा चर्चा करी गई। और हमने 2 शपथ पत्र बनाए हैं कि नगर पालिका के पास है वो शपथ पत्र, एक तो संबंधित है कि दुकान में किस तरह कोरोना गाइडलाइंस का पालन होगा, दूसरा शपथ पत्र टीकाकरण से संबंधित है, उसमें ये रहेगा कि आपने टीकाकरण करवाया है कि नहीं और अपने कर्मचारियों को करवाया है कि नहीं। अगर कर्मचारियों को नहीं करवाया तो 1 हफ्ते के अंदर आप टीकाकरण करवा लें। तो दूसरा शपथ पत्र है उसमें कि भाई किसी भी दुकान में अगर कोई बिना मास्क लगाए आ रहा है तो उसको घुसने नहीं देना दुकान में, पहले उससे मास्क लगवाना है फिर घुसने देना है, हैंड सैनिटाइज भी कस्टमर से करवाना है, उसके बाद आप सामान बेचेंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग। और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो उसकी दूध की दुकान है और किराना का लिखा हुआ है, बाकी जो बैंक से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं वो संचालित रहेंगी जैसे पहले हो रहा था, जितनी भी केमिस्ट दुकानें हैं वो सब खुली रहेंगी 24 घंटे जैसे पहले हो रहा था। और जो ऑटो ई रिक्शा की सवारी है उसमें 2 लोगों से ज़्यादा अलाउड नहीं है, 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग अलाउड हैं सिर्फ उसमें, तो अगर इससे ज़्यादा लोग रहेंगे तो हम चलानी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ जो भी आवागमन हो रहा है उसमें अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा है या बाइक पे घूम रहा है मास्क नहीं लगा रहा है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।